फाइनली दोस्तों, जिस पल का हम लोग को इंतजार था फाइनली वो घड़ी आ गया है। हैमशा कॉम्बिन ने टोकन डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया है। जो भी आप लोग अपने हैमशा कॉम्बिन में वॉलेट कनेक्ट किए होंगे, जैसे कि अगर आप लोग जो बाइनेंस कनेक्ट किए होंगे तो आपका बाइनेंस में आपका जो भी टोकन होगा आपका चला गया होगा। अगर आप टोन कीपर किए होंगे तो टोन कीपर में भी आपका चला गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप लोग इसको विड्रॉल कर सकते हैं इसके बारे में। एंड तो यहाँ से चलिए फटाक से अपने टेलीग्राम को ओपन करते हैं एंड यहाँ पर आते हैं एयरड्रॉप के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो 3855 टोकन मिला है, जिसमें कि हम लोग जो 3402 टोकन से केवल विड्रॉल कर पाएंगे, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग आओगे विड्रॉल के सेक्शन में, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मेरा बाइनेंस कनेक्ट है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आपका जो भी कनेक्ट होगा, अगर आप टोन कीपर कनेक्ट किए होंगे तो आपका टोन कीपर में चला गया होगा टोकन, ठीक है। एंड इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 24 सितंबर को 6 बजे बाइनेंस कन्फर्मेशन डिसलाइन हो चुका है, यानी कि टोकन जो है भेज दिया गया है, ठीक है। एंड 26 सितंबर को जो 10 यूटीसी डिपॉजिट कंप्लीट हो जाएगा और 26 सितंबर को जो 12 बजे से ट्रेडिंग इसका स्टार्ट हो जाएगा। जब इसका ट्रेडिंग स्टार्ट होगा तो उस वक्त इसको जो ट्रेडिंग करके इसको सेल करके आप लोग जो यूनिटी लोगे और उस यूनिटी को आपको जो विड्रॉल करना होगा आप लोग विड्रॉल कर सकते हैं यूनिटी को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मेरा यहाँ पर इतना जो है टोकन मेरा सेंड हो चुका है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। योर टोकन विल बी डिपॉजिटेड टू बाइनेंस, ठीक है, लिख रहा है यहाँ पर। बैक आते हैं, अपने बाइनेंस ऐप को ओपन करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर वॉलेट में आते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए HMSTR में जो है मेरा 4436 टोकन यहाँ पर डिपॉजिट हुआ है, बट वहाँ पर तो 3800 टोकन था लेकिन 44 हो गया, लेकिन ये कम हो जाएगा जैसे इसका ट्रेडिंग स्टार्ट होगा कल, तो कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 4436 टोकन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ इसका प्राइस शो नहीं हो रहा है। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अभी स्पॉट में है। एंड गाइस, यहाँ पर कुछ भी इसका जो प्राइस अभी शो नहीं हो रहा है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर इसका जो प्राइस अभी शो नहीं हो रहा है कि कितना प्राइस हैमशा का रहने वाला है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, अब आप लोग विड्रॉल कर सकते हैं। सिंपल आपको करने के आपको ये जो आपको हैमस्टर का जो टोकन मिला है इसको आपको जो है सेल करना होगा। अब सेल किस तरह से करना है चलिए मैं आप लोग वो बताता हूँ, ठीक है। उससे पहले बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई मैं टोन कीपर कनेक्ट किया हूँ, उससे मैं कैसे करूँ विड्रॉल। देखिए मैं टोन कीपर को ओपन करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर ओपन हो जाए भाई। मैंने यहाँ पर टोन कीपर ओपन किया, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर टोन कीपर मेरा ओपन हो रहा है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। एंड अगर जो भी आपका हैमस्टर में टोकन होगा, अगर आप लोग टोन कीपर कनेक्ट होंगे तो यहाँ पर आपका आ गया होगा। यहाँ पर अभी नहीं है यार, मेरा एक अकाउंट है जिसमें मैं टोन कीपर ही कनेक्ट किया हूँ, बट यहाँ पर अभी आया नहीं है टोकन हैमस्टर का, लेकिन कुछ टाइम बाद आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आज 25 तारीख है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शाम तक टोकन आ जाना चाहिए टोन कीपर में, ठीक है। अभी तक आया नहीं है, लेकिन आता है तो आपको करना क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आपको HMSTR करके आएगा और जितना भी आपका टोकन होगा यहाँ पर शो होगा। पहले आपको उसको सेव कर लेना है USDT में, तभी आप लोग यहाँ से विड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए कैसे करना है मैं आप लोग बताता हूँ। जैसे कि मैं आप लोग को डॉक पर बता दे रहा हूँ, आप लोग जो है हैमस्टर पर कीजिएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं एंड गाइस, यहाँ से आपको सेव पर क्लिक कर देना है, आपको HMSTR पर करना है इसी तरह से। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा जो है, मैं सेव पर क्लिक किया। एंड गाइस यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग ले रहा, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पर आपको सेव में जो यहाँ पर डॉग दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं डॉग्स को सेव कर रहा हूँ, आप लोग HMSTR को कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको टोन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको जो USDT सेलेक्ट करना है, यहाँ पर USDT, ठीक है। नहीं तो आप लोग यहाँ पर सर्च भी करोगे USDT, यहाँ पर आपको जो USDT मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास डॉग कितना है, यहाँ पर 10,949 डॉग्स मेरे पास अवेलेबल है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आपका जितना भी टोकन मिलेगा हैमस्टर का, उतना यहाँ पर आपका शो होगा, ठीक है। अगर आप लोग पूरा का पूरा हैमस्टर का टोकन सेव करना चाहते हैं तो आप लोग जो है सिंपल आप लोग जो मैक्स पर क्लिक कीजिएगा तो सारा का सारा यहाँ पर टोकन आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10,949 मेरा टोकन आ चुका है डॉग्स का, ठीक है। और ये चीज़ आपको जो है हैमस्टर पर करना है, मैं आप लोगों को डॉग्स पर केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम लोग जो कंटिन्यू करते हैं, जैसे आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए एंड कन्फर्म करते हैं, तो यहाँ पर देखिए मेरा कन्फर्म हो रहा है। एंड गाइस यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए मेरा टोटल $11 हो जा रहा है, वो बन रहा है। एंड यहाँ पर देखिए मेरा जो है स्वैप हो रहा है, यहाँ पर आप लोग डन, यहाँ पर स्वैप हो चुका है, ओके करते हैं। एंड यहाँ से बैक आते हैं रिफ्रेश करते हैं। तो अभी तो फिलहाल यहाँ से डॉग्स से मतलब कभी कॉइन्स मेरा कटा नहीं है, जो कि यहाँ पर लोग देख सकते हैं अभी डॉग्स पर कॉइन्स शो हो रहा है, ठीक है, टोकन शो हो रहा है। अब यहाँ पर आते हैं हिस्ट्री में, तो यहाँ पर देखिए अभी प्रोसेसिंग में, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ टाइम बाद ये स्वैप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्वैप हो गया क्या भाई, देखिए शायद स्वैप हो गया डॉग्स का, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्वैप हो चुका है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं वॉलेट में, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर देखिए डॉग्स यहाँ से हट चुका है, जो कि यहाँ पर लोग देख सकते हैं। डॉग इसलिए हटा क्योंकि मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा टोकन स्वैप कर लिया था, भाई यहाँ पर डॉग रह कर क्या करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए USDT में यहाँ पर 0 शो हो रहा है, जो कि यहाँ पर लोग देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ टाइम बाद यहाँ पर आपका USDT में आपका जो भी डॉलर होगा यहाँ पर आपका शो होने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं,
टोन कीपर में, सॉरी बाइनेंस में। अब दोस्तों अगर आप लोग जो बाइनेंस में कनेक्ट होंगे तो आपको पहले सेल करना होगा अपना जो भी हैमशा का टोकन मिलेगा आपको उसको सेल करना होगा। सेल को इस तरह से करना है मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए एच एम एस टी आर का क्या है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 44 से 36 मेरे को टोकन मिला है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अभी तो ये सेल नहीं हो सकता है क्योंकि इसका अभी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुआ, कल इसका ट्रेडिंग स्टार्ट होगा 12 बजे, तो कल हम लोग जिसको सेल करके विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब किस तरह से करना है चलिए मैं आप लोग कोई दूसरा टोकन बता रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए डॉग्स है जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, चलिए मैं आप लोगों को डॉग्स पर बता रहा हूँ, आप लोग जो अपने हैमस्टर पर कीजिएगा। ठीक है, सिंपल जैसे कि यहाँ पर एक डॉग्स है जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डॉग्स कितना है मेरा 23,435 डॉग्स पड़ा हुआ है जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगर हम वैल्यू की बात करें डॉलर में तो यहाँ पर $20 का मेरा जो है डॉग्स है जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आप लोग जो होम पर आओगे मार्केट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग जो एच एम एस टी आर करके आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एच एम एस टी आर। तो यहाँ पर आपको जो हैमस्टर का जो यहाँ पर जो टोकन है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही मार्केट में लिस्ट होगा, तो अभी नहीं आ रहा है इसलिए क्योंकि अभी लिस्ट नहीं है मार्केट में, वर्ल्ड में आता है, नहीं तो आप लोग यहीं से भी आप लोग शेयर सेल कर सकते हो। सिंपल आप लोग जिस पर क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ से आप लोग सेल कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को डॉग्स पर बता दे रहा हूँ कैसे आपको सेल करना है। आपको जो ये सारा काम हैमस्टर पर करना है मैं आप लोगों को डॉग्स पर केवल एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो डॉग्स पर आते हैं, अब यहाँ पर आते हैं यूएस डॉग्स यूएसडी इस पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ से हम लोग जो है देखिए दो ऑप्शन लगा बाई एंड सेल का, तो हम लोग क्या करेंगे सेल पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लोग सेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको जो लिमिट आएगा तो इसको फटाक से हमको मार्केट पर करना है क्योंकि जब ट्रेडिंग स्टार्ट होगा हम सबको तो उस वक्त प्राइस बहुत ज़्यादा पंप करता है, मतलब ऊपर नीचे बहुत ही फास्ट होता है, तो आपको फटाक से सेल करना होगा नहीं तो प्राइस गिर जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देनी है। अब यहाँ पर आपको जो इसको आपको जो ये जो इसको आपको जो 100% कर देना है, अगर आपको पूरा सेल करना है तो 100% कीजिए एंड यहाँ से आपको जो सेल डॉक्स में मैं क्लिक करूँगा आपको सेल HMSTR करके आएगा उस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर मेरा क्रिएट हो चुका है जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एंड मेरा सारा का सारा सेल हो गया होगा। यहाँ पर देखिए अभी शो हो रहा है, यहाँ पर देखिए डॉक्स यहाँ पर जीरो हो चुका है जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सारा का सारा जो भी मेरा जो है यूटिलिटी में आ चुका है जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपका यूटिलिटी में आ जाता है, अगर आप लोग जो हैमस्टर को सेल कर देते हो और आपका यूटिलिटी में आ जाता है तो आप लोग बहुत ही आसानी से आप लोग यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। अभी हम चलते हैं टोन कीपर में, देखते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पर यूटिलिटी आया है कि नहीं। देखिए यहाँ पर मेरा यूटिलिटी अवेलेबल हो चुका है जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं $9। अब देखिए दोस्तों अगर आप लोग जो टोन कीपर से हैमस्टर को कनेक्ट किए होंगे तो पहले आपका आएगा जो भी टोकन होगा टोन कीपर में आपको सेव करना है। सेव करने के बाद आपको यूटिलिटी मिलेगा। अब इस यूटिलिटी को आपको लेकर जाना है अपने बाइनेंस में, तो कैसे लेकर जाना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिंपल आपको अपने यूटिलिटी पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये काम आपको सेव करने के बाद करना है, इस पर क्लिक कर देना है एंड आपको सेंड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको जो एड्रेस डालना होगा तो आपको चले जाना है, यहाँ पर आना है बाइनेंस में, वॉलेट में आना है एंड यहाँ पर आपको जो डिपॉजिट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आप डिपॉजिट पर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर आपको सर्च कर देना है USDT, मैंने सर्च कर दिया, इस पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर अभी अबे यार क्या हो गया भाई, नहीं ले रहा है प्लीज ओनली सपोर्टेड नेटवर्क, नहीं आ गया। यहाँ पर आपको जो है टोन कॉइन सेलेक्ट करना है यहाँ पर क्योंकि हम टोन के बस ला रहे हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ओके करते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे को जो एड्रेस मिल चुका है एंड मेमो मिल चुका है, तो सिंपल क्या करेंगे यहाँ से एड्रेस कॉपी करेंगे, जल्दी से यहाँ पर लेकर डाल देते हैं। मैं आप लोग को बता रहा हूँ थोड़ा सा फास्ट, तो आप लोग थोड़ा वीडियो का भी आप स्लो करके देख सकते हैं। मेमो को उठाते हैं यहाँ से एंड यहाँ पर आते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं एंड जितना भी आपका यूटिलिटी होगा आप लोग मैक्स पर क्लिक कीजिएगा सारा का सारा को आपको भेजने के लिए, पूरा का पूरा भेजने के लिए एंड कंटिन्यू कीजिएगा। तो जैसे ही आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा तो यहाँ पर कन्फर्म कीजिएगा, कन्फर्म एंड सेंड इस पर क्लिक कीजिएगा एंड अपना फिंगरप्रिंट लगाइएगा एंड जो भी आप लॉक मांगा तो लॉक डाल दीजिएगा यहाँ पर एंड डन हो गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एंड गाइस सेंड यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एंड गाइस 5 से 10 मिनट के अंदर आपका ये जो यूटिलिटी है आपका बाइनेंस में जाकर ऐड हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऐड होने लगेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आते हैं बैक, जैसे कि मेरा यहाँ पर $81 है जो कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर $81 है। थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं, उसको भी आ जाने देते हैं जो हम लोग जो अभी टोन कीपर से यूटिलिटी हम लोग विड्रॉल किए हैं बाइनेंस में, वो आ जाएगा फिर मैं आप लोग बताऊंगा कैसे आप लोग जो यहाँ से यूटिलिटी को आप लोग जो विड्रॉल कर सकते हैं अपने फोन पे गूगल पे, आप लोग जहाँ पर करना चाहते हैं आप लोग जो कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 2-4 मिनट वेट करने के बाद यहाँ पर फाइनली मेरा जो टोन कीपर से मैंने यूटिलिटी विड्रॉ किया हूँ यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा जो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर देखिए आ चुका है $9.49 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर यूटिलिटी आ चुका है। अब दोस्तों अगर आप लोग आपका यहाँ पर यूटिलिटी आ जाता है, अगर आप लोग जो कैसे आपको सेल करना है बाइनेंस से मैं आप लोग वो भी चीज़ बता दिया हूँ। अब दोस्तों अगर आपको यूटिलिटी मिल जाता है कैसे आपको विड्रॉल करना है चलिए मैं आपको वो थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से विड्रॉल करने के लिए आप क्या करना है, यहाँ से आपको होम पर क्लिक कर देना है
एंड गाइस यहाँ पर आपको जिस लोगो पर दिखे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको मोर सर्विस पर क्लिक कर देना है। एंड थोड़ा सा आप लोग स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फाइनेंस का, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। एंड सेंड कैश, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जितना भी आपका इविटी होगा बाइनेंस में, यहाँ पर आपका शो होगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि मेरा जो $91 यहाँ पर पड़ा हुआ है इविटी में, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए जितना भी आप लोग निकालना चाहते हैं आप लोग निकाल सकते हैं। अगर आप पूरा निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग जो है मैक्स पर क्लिक कीजिएगा एंड जो भी आपका इविटी होगा यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। जैसे कि मेरा जो है $91 है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। एंड $91 का जो है मेरा इविटी जो है ₹7587 हो रहा है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। लेकिन हम लोग इतना विड्रॉ नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम लोग कम करेंगे, केवल मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको हटाते हैं। एंड गाइस यहाँ पर हम लोग जो चलिए $15 निकाल लेते हैं, यहाँ से $15 डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर $15 डाल दिया, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए जितना भी आप लोग निकालना चाहते हैं आप लोग निकाल सकते हैं। अगर आप पूरा निकालना चाहते हैं तो आप लोग जो मैक्स पर क्लिक कीजिए, आप लोग पूरा निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ₹1212 हो रहा है मेरा। एंड गाइस आप लोग तीन तरीका से यहाँ पर पेमेंट ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है आप लोग बैंक इंडिया, यानी कि आप लोग जो बैंक में ले सकते हैं। एंड गाइस IMPS के जरिए ले सकते हैं एंड UPI के जरिए ले सकते हैं हम, लेकिन हम लोग लेंगे UPI बेस्ट है हम लोगों के लिए। तो हम लोग UPI पर क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप लोग कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर आपको जो ऐड न्यू बेनिफिशियरी, इस पर क्लिक कर देना है। आपको जो यहाँ पर UPI ID ऐड करना है, फोनपे गूगल पे जिसका भी आप लोग ऐड करना चाहते हैं, पेटीएम का आप लोग ऐड कर लीजिएगा। मेरा पहले से ऑलरेडी यहाँ पर ऐड है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐड करने के लिए आपको जो ऐड न्यू बेनिफिशियरी, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको जो ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। एंड गाइस यहाँ पर देखिए मेरा नाम आ रहा है। एंड गाइस यहाँ पर आपको UPI ID डालना है। एंड गाइस यहाँ पर आपको QR कोड अपलोड कर देना है। अगर आप चाहो तो अपलोड नहीं भी कर सकते हो, यह ऑप्शन वाला छोड़ भी सकते हो। अब यहाँ पर देखिए एक चीज मैं आप लोग बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर नाम शो हो रहा है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इस नाम से मेरा बाइनेंस अकाउंट है। जिस भी नाम से आपका बाइनेंस अकाउंट है उसी नाम से आपका फोन पे गूगल पे का आपका UPI ID चाहिए, तभी आप लोग का विड्रॉवल हो पाएगा। इस बात को ध्यान देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो अपना UPI ID डाल देना है। एंड अगर आप QR कोड अपलोड करना चाहते हैं तो आप लोग अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि यहाँ पर UPI ID डालने के बाद यहाँ पर आपको जो कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग कन्फर्म पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको आपसे कुछ वेरिफिकेशन आएगा, लॉक वगैरह आएगा। डालने के बाद यहाँ पर आपका जो UPI ID ऐड हो जाएगा। जैसे ही आप लोग ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सिंपल आपको इस पर क्लिक करके एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए सारा चीज़ यहाँ पर डिटेल्स हो रहा है। जैसे कि मैं $15 में विड्रॉ कर रहा हूँ एंड इतना रुपया इसका INR होगा। एंड गाइस यहाँ से हम लोग चलिए कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 15 UTD आ रहा है। एंड कन्फर्म को क्लिक करते हैं। एंड जैसे हम लोग कन्फर्म करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक सेलर्स दे देगा बाइनेंस खुद फाइंड करके। अब यहाँ पर देखिए होता ये है कि P2P के सहारा से हम लोग विड्रॉ करते हैं। P2P का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन। जैसे कि हम लोग पास UTD है, मेरे पास UTD है, हम इस सेलर्स को देंगे अपना UTD, ठीक है, जो मैं $15 विड्रॉ कर रहा हूँ। अब दोस्तों उसके बदले जितना INR होगा उतना डिपॉजिट कर देगा मेरा जो है फ़ोनपे में, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए चैट पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर चैट करते हैं यहाँ से। एंड यहाँ पर देखिए QR कोड प्लीज़ सेंड बोल रहा है। तो हम लोग चलिए QR कोड यहाँ पर अपने चलिए लाते हैं, यहाँ पर अपने फ़ोनपे को ओपन करते हैं। मैंने डाउनलोड किया, ठीक है। एंड यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ से प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर देना है, इमेज पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर एक QR कोड है, इस पर क्लिक करके एंड सेंड कर देना है। मैंने यहाँ पर जो कन्फर्म कर देते हैं, सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं QR कोड इसको सेंड कर दिया हूँ। यहाँ पर ये खुद बोला है कि QR कोड सेंड करने के लिए। अब यहाँ पर जैसे बोले सेलर्स, आपको वैसा करना है, आपका ऐड हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये सेलर्स कितना मतलब टाइम लेता है ऐड करने में। तो यहाँ पर टाइमिंग भी ऊपर चला है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो अगर मान के चलो ये सेलर ऑफलाइन है तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, आपको कट कर नहीं करना है। कट कर दोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगा आपको। यहाँ पर ये पेमेंट सेंड नहीं किया अभी तक, इसको हम चले लिखते हैं प्लीज सेंड पेमेंट। यहाँ पर पेमेंट आ चुका है, मैं लिखने से पहले ही आ चुका है। 1213 रुपये यहाँ पर ऐड कर दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा पेमेंट आ चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अपना जो फ़ोनपे ओपन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर मेरा जो पेमेंट आया है कि नहीं। तो यहाँ पर हिस्ट्री पर आते हैं एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1213 रुपये मेरा डिपॉजिट हो चुका है, मेरा आ चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरा आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको पेमेंट आने के बाद यहाँ से आपको जो बैग चले आना है, यहाँ से एक स्टेप बैग आना है एंड रिसीव पेमेंट रिसीव, इस पर क्लिक कर देना है एंड नीचे वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको जो कन्फर्म रिलीज, इस पर क्लिक करना है। ये काम आपको तब करना है जब आपको पेमेंट आ जाए तब करना है, ठीक है। यहाँ से कन्फर्म रिलीज, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे आप लोग कन्फर्म रिलीज इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आपके सामने जो वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो अगर आपसे ऑथेंटिकेशन ऐप से बोले तो आप लोग कर लीजिएगा। तो मेरा फिंगरप्रिंट मांग रहा है, चलिए दे देता हूँ यहाँ पर। यानी कि मेरा जो वेरीफाई हो चुका है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं।
एंड गाइस यहाँ पर देखिए मेरा जो 1212 रुपये आया है और मैं इस बंदा को जो 14.50 यूएसडीटी में सेंड कर दिया हूँ, यानी कि मेरा कुछ यहाँ पर मतलब कट गया चार्ज, यानी कि 0.5 यूएसडीटी मेरा चार्ज कट गया है। इतना डॉलर मैं उसको सेंड कर दिया, उसके बदले मेरे को जो 1212 रुपये वो बंदा सेंड कर दिया। बस इतना करना, अगर आप चाहते हो फीडबैक देना तो आप लोग फीडबैक वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से बैक आते हैं, बैक करते हैं, रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पेमेंट मेरा कट चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते 124-109 हो चुका है, एंड यहाँ पर भी मेरा जो पेमेंट कट चुका है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से आप लोग जो विड्रॉल कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जैसे ही कोई नया अपडेट आता है, कोई नया प्रोजेक्ट आता है, तो सबसे पहले मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।